क्या होता है, तुम लोगों के हिसाब से सेंटीमेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट्स का एनालिसिस करना जो कि बहुत इजी नहीं है, मतलब एज अ ह्यूमन हम नहीं कर पाते हैं, वी आर ट्राइंग कि एक कंप्यूटर या सिस्टम या मशीन सेंटीमेंट का एनालिसिस कर दे, बट टू सर्टेन एक्यूरेसी, टू सर्टेन इनपुट्स जो हम पहले से देके रखते हैं, ये थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, बस कर तो मेरे हिसाब से अभी नहीं पा रहे, बट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटिमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर ट्वीट आ रहा है, एनी ट्वीट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सपोज करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ट्वीट आ रहा है कि एक्स वाई जी कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इससे, या फिर ओवरऑल लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि लास्ट टाइम फीफा विनर कौन था, अर्जेंटीना, तो या फिर लास्ट टाइम अफगानिस्तान ने, सॉरी अफगानिस्तान, सऊदी ने किस बहुत बड़ी टीम को हराया था, पोर्टुगल, किसको हराया था, पोर्टुगल, अर्जेंटीना की, सोचो। तो उस टाइम पे अगर हम ट्विटर का सेंटिमेंटल एनालिसिस करते तो शायद हमको पता लगता कितने परसेंट लोग एंग्री हैं उससे, कितने परसेंट लोग जॉयफुल फील कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई कंट्री आउट ऑफ लीग जाके किसी अच्छी बड़ी कंट्री को हरा दे रही है तो क्या लोग उसको लेके ओवरऑल वर्ल्ड में लोग क्या उसको लेके दुखी है, या फिर दे आर हैप्पी कि नहीं यार वी ऑल्सो हैव सम चांसेस, तो ये सारी चीजें सेंटिमेंटल एनालिसिस का पार्ट, समझ लो कितना अच्छा चीज है, कैसे वी कैन यूज दिस सेंटिमेंटल एनालिसिस। कैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस हुआ, सिमिलरली इन बिग ई फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उनके जब भी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं उस टाइम पे भी दे ट्राई एंड डू सेंटिमेंटल एनालिसिस, और भी बहुत तरीके से सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बी हम सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर करेंगे अभी के टाइम पे कि करेंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से कुछ ट्वीट्स निकालेंगे हम अभी, एट प्रेजेंट वाले ट्वीट्स, रियल टाइम ट्वीट्स निकालेंगे और उन ट्वीट्स का एनालिसिस करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं अभी के टाइम पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। रेडी है, चालू करें। तो फर्स्ट चीज हमारे सामने वो है लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज जो तुमको पहले से डाउनलोड करके रखनी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहली लाइब्रेरी होगी, क्या नाम है उसका, ट्विटर। ये लाइब्रेरी इटसेल्फ प्रोवाइड करती है ट्विटर का इंटरफेस, अगर आपको एपीआई वगैरह से इंटरेक्ट करना है तो ये सारी की सारी चीज ये पहला लाइब्रेरी परफॉर्म करता है ट्विटर। सेकेंड है आर कर्व। इससे पहले सुना है इस लाइब्रेरी के बारे में, नहीं सुना है, तो ये पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड करती है स्पेशली यूआरएल और नेटवर्क रिलेटेड कोई भी चीज है उससे रिलेटेड चीजों को डील करती है, कौन सा, आर कर्व, ठीक है। इसके बाद तीसरा है टीएम, नाम से ही समझ में आ रहा है, टी स्टैंड फॉर टेक्स्ट, एम स्टैंड फॉर माइनिंग, तो जहां हमको टेक्स्ट की माइनिंग करनी होती है वहां हम टीएम यूज करते हैं। यहां पे हम किस टेक्स्ट की माइनिंग कर रहे हैं ट्विटर में, ट्वीट्स, हैशटैग्स के साथ रिलेटेड ट्वीट्स, पूरे के पूरे टेक्स्ट का माइन कर रहे हैं, उसमें हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रीट्वीट्स कितने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजों के लिए टीएम का यूज हो रहा है। उसके बाद एनएलपी, बहुत ही प्रोफाउंड वर्ड है, सुना ही होगा, क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज, कुछ हद तक हम एनएलपी का भी यूज करेंगे। उसके बाद सेंटिमेंटल एनालिसिस इटसेल्फ एक लाइब्रेरी है ट्विटर आर के अंदर, किसका यूज करने वाले हैं हम। उसके बाद ये एक लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करेंगे स्पेशली फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमोशंस, जैसे एंगर, जॉय, ये सब पे टोकन क्रिएट करता है ये, और उसको हम एनालाइज करेंगे इस लाइब्रेरी का यूज करके। और लास्ट जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो क्या है, ggplot2। ggplot2 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किस चीज के लिए यूज होता है, ज्योमेट्रिक डाटा विजुलाइजेशन के लिए। तो सारा एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम उसको विजुलाइज करके देखेंगे कि वो एनालिसिस दिखता कैसा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे यहाँ से, लाइन से इंस्टॉल पैकेजेस, ट्विटर, आर्क, टीएम, एनएलपी, सेंटिमेंटल एनालिसिस वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले ये सब चीज को हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इनको लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराएंगे, कितने टोटल,
अच्छा सात सात ये सातों लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कराए, दो चीज हमने किया। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब सिर्फ हमने इंस्टॉल किया पैकेज को और इंपोर्ट किया उसको, ठीक है। अच्छा एक बात और बता, ये एज अ प्रोजेक्ट अगर कोई इंडिविजुअल बना के दिखाता है किसी फॉर्म को, तो सिर्फ इसके दम पे भी बहुत सारे फॉर्म उठा सकते हैं, सिर्फ इसके दम। इतना पावरफुल चीज है ये सेंटीमेंटल एनालिसिस, रियल टाइम डाटा सोशल मीडिया से उठा के उसका एनालाइज करके तुम दे दोगे किसी फॉर्म को, तो उसको कितना बेनिफिट मिला सकते हो, समझ रहे हो। वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एनालाइज कर सकता है कि कौन सा चीज चलने वाला है, कौन सा चीज नहीं चलने वाला है। अरे यूपी इलेक्शन के पहले तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि किसके पक्ष में जा रहा है वोट, एग्जिट पोल्स काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बॉट्स को रिमूव करना पड़ेगा, हालांकि आज के टाइम पे बॉट्स ना के बराबर हो गए हैं इलॉन मस्क जी के आने के बाद से। तो यहां तक सेंटीमेंटल एनालिसिस की पावर है, ठीक है। अब इसके बाद चार चीजें हम यूज करते हैं एपीआई कीज, चार एपीआई कीज होती है ट्विटर पे। ये जैसे ही तुम ट्विटर पे जाओगे डेवलपर ऑप्शन पे, तुमको ये चार एपीआई कीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या क्या है? एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, एक्सेस की और एक्सेस सीक्रेट, ठीक है। ये चार चीज जो तुम्हारा ट्विटर का पर्सनली ट्विटर वाला तुमको प्रोवाइड करेंगे डेवलपर ऑप्शन पे जाके, वो तुम यहाँ पे लिखोगे ताकि डायरेक्टली डाटा फेच कर सको। उसके बाद क्या करोगे, इस फंक्शन का यूज करोगे सेटअप ट्विटर, और जिससे तुम बताओगे कि ये मेरा एपीआई की है, ये मेरा सीक्रेट की है ट्विटर। इसको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा तुम्हारा की कहां पे वर्क कर रहा है? तो ये पर्टिकुलर फंक्शन यूज करके हम कीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे आर पे, ठीक। अब समझ जाओ हमको ट्वीट्स की एनालिसिस करनी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई भी चीज, किस चीज के रिलेटेड ट्वीट्स चाहिए तुमको बताओ। हाँ आईपीएल से रिलेटेड ट्वीट्स चाहिए। अच्छा एक बार पहले देख लीजिए कौन सा ट्वीट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कौन सा हैशटैग अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसके हिसाब से करते हैं। हाँ क्या यस सर, विराट कोहली गौतम गंभीर, ठीक है देखते हैं क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग पे भी वही चल रहा है, ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, हैशटैग विराट कोहली ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो आज हम हैशटैग विराट कोहली का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि लोग कितना खुश है इस पे, कितना दुखी है, कितने लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक डाल दिया विराट कोहली। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने टॉपिक डाला विराट कोहली, ये क्या करेगा इससे रिलेटेड, देखो इस फंक्शन को ढंग से देखो, सर्च ट्विटर, सर्च स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग को सर्च करना है पहला चीज, दूसरा चीज नंबर्स कितने चाहिए तुम। मैंने बोला 300 ट्वीट दे दो, विराट कोहली के ट्वीट सर्च करो रियल टाइम अभी वाले और मेरे को 300 ट्वीट अभी के दे दो, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ को, जो ट्वीट्स की लेंथ है उसको एक वेरिएबल में यहाँ पे डाल दिया है जिसका नाम एंड ट्वीट्स है। फिर क्या किया मैंने, इस सब चीजों को मैंने एक डाटा फ्रेम में बना दिया है जिसको मैंने बोल के ट्वीट्स डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है। यहां तक जो हुआ है उसको देखिए हम एक बार देखिए, कोशिश करते हैं। क्या ये चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? ऑफलाइन क्योंकि नेट कनेक्शन Thank you.
मेरे पास ट्विटर के सारे के सारे डाटा आ गए, ऑल द लैंग्वेजेस। ये कौन सा लैंग्वेज है? तेलुगु है कि उड़िया है? कन्नड़ है। कन्नड़ है, ठीक है, जो भी है। तो हिंदी भी है इसमें, इंग्लिश भी है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। अभी हमारे पास एक लिमिटेशन मेरे प्रोग्राम में ये है कि वी आर जस्ट एबल टू एनालाइज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। हिंदी और किसी लैंग्वेज को मेरा जो प्रोग्राम बना हुआ है वो एनालाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट स्टिल हमारे पास 300 ट्वीट्स है, तो इंग्लिश के भी मोर देन इनफ हमको ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या फॉल्स फेवरेटेड? देखो, जो तुम ट्विटर कर रहे हो ना, ट्विटर का जब कोई पोस्ट देखोगे उस पोस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, किसी ने फेवरेटेड किया है क्या उसको, किसी ने रीट्वीट किया है क्या उसको, कितने लोगों ने किया है, तो वो ट्रू और फॉल्स का फ्लैग है। देखो क्या क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, एक टेक्स्ट आ गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कॉलम आ गया फेवरेटेड किसी ने किया है या नहीं किया है, तीसरा टोटल काउंट कितने उसके, उसका रिप्लाई कोई आया है कि नहीं आया, कब क्रिएट हुआ है, ठीक है, ट्रंकेट हुआ है कि नहीं हुआ, आईडी क्या है उसकी, सोर्स क्या है उसका, नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, रिट्वीट काउंट कितने हैं उसके, ये सारी, ठीक है। ये हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ गया अभी रियल टाइम का जो हमने उठा लिया। किससे रिलेटेड है ये? विराट कोहली, क्योंकि वही चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। अब क्या करेंगे हम आगे का देखेंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या है, ट्वीट्स डाटा। उसमें क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है डॉलर साइन का यूज, मतलब क्या होता है कॉलम, मैंने पढ़ाया हुआ है डॉलर साइन का मतलब क्या होता है कॉलम। तो कौन सा कॉलम उठा रहे हैं अपन, क्योंकि हमको बाकी कॉलम से मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ टेक्स्ट वाला कॉलम चाहिए एनालिसिस करने के, तो मैंने टेक्स्ट वाला कॉलम उठा लिया और मैंने बोला कि मेरा अब डाटा क्यों दिखाओ, तो सिर्फ टेक्स्ट वाला कॉलम उसने उठाया और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाले डाटा उसने रखे। अब इसको मैं कैसे एनालाइज करूं इस डाटा को, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, किसमें एक्सपोर्ट किया, सीएसवी में, किसमें जनरली एक्सपोर्ट करते हैं एनालाइज करने के लिए, सीएसवी में। तो यहाँ पे अब मैं इसको csv फाइल पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या लिखेंगे, राइट डॉट टेबल एस डाटा प्रिंट ट्विटर्स का जो भी आएगा उसको कहाँ पे करना है, जो भी पाथ है उस पाथ का नाम दे दो, और इसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड करना है, कर सकते हो जैसे सेपरेट बाई कॉमा रो नेम इज इक्वल टू f, सिंस csv फाइल है ये इसकी। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक mylist.csv नाम का फाइल क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे इसने mylist.csv नाम का फाइल बना लिया है और इस पे इतने सारे ट्वीट जो है मेरे पास टेक्स्ट माइनिंग, यहां तक हम लोगों ने क्या किया है टेक्स्ट माइनिंग किया, मतलब जितने ट्वीट्स थे ट्विटर से हम लोगों ने निकाले और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स हैं जो कि हम देखना चाह रहे हैं और हर कॉलम क्या बहुत सही फॉर्मेट पे है, क्या जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उस फॉर्मेट पे नहीं है, बहुत करप्टेड डाटा है ये, मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो अब इसको हम लोगों के क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना। कैसे कैसे क्लीन करेंगे, सबसे पहला करेंगे हम क्लीन टेक्स्ट वन का यूज, उसमें हम क्या यूज करेंगे, जी सब फंक्शन का, कौन सा फंक्शन का, जी सब फंक्शन का। ये क्या करेगा, इट विल रिमूव सर्टेन पैटर्न्स फ्रॉम कैरेक्टर वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, इतना भी पता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर वेक्टर है उससे से कुछ पैटर्न्स रिमूव करेगा, जैसे आरटी और वाया,
ये क्यों रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं आरटीओ से, यहां पे यहां पे दिख रहा है टेक्स्ट में, हर टेक्स्ट के आगे @rt ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये ट्विटर का जब भी आप डाटा उठाओगे तो आगे आरटी या फिर VIKYI ये सारी चीजें लिखी रहती है। तो ये चीज तो हमको पहले से पता है कि ये चीज को रिमूव करनी है हमको हमारे टेक्स्ट, तो हमने उसको यहाँ पे अलग से लिख दिया है कि ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो जैसे आरटी और VIK ये कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो और रिमूव करो पहले। दूसरा ये सारी चीजें, ये छोटा सा टेक्स्ट है बट इसके अंदर डिटेल्स कितनी ज्यादा है ध्यान से देखिए। मैचेस वन और मोर ऑकरेंस ऑफ ट्विटर यूजर नेम, अगर एक ट्विटर का यूजर नेम एक से ज्यादा बार अकर होता है तो वो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरली @ सिंबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो बी क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बाउंड्री खोज रहे हैं। डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, नॉन वर्ल्ड कैरेक्टर खोज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कैरेक्टर अगर लेटर नहीं है, डिजिट नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसको ही आइडेंटिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले कैरेक्टर जहां से हम लोग हैं, खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू मैचेस वर्ल्ड कैरेक्टर, तो ये सारे स्पेसिफिकेशन हमने मैच किए क्लीन वन पे, पहली क्लीनिंग हमने की। फिर सेकेंड राउंड ऑफ क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, जो भी HTTP वाले होंगे, कुछ कुछ ऐसा है जिसमें डायरेक्ट लिंक्स आ रहे हैं, वो लिंक्स URL लिंक्स हम रिमूव करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ क्लीनिंग में। तीसरे राउंड ऑफ क्लीनिंग में हम रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ कुछ है, सिर्फ हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कैच करना चाहते हैं। और चौथा जो क्लीनिंग है, चौथा राउंड है, उसमें हम साफ साफ बोल दे रहे हैं भाई, चौथा और पांचवा तक हम ये बोल दे रहे हैं साफ साफ कि साफ मुझे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक जो जो चीजें हैं वो बस मुझे उठा के दो, मुझे उसी के हिसाब से एनालिसिस करना है। समझ में आया, ये क्लीनिंग का प्रोसेस है। चाहो तो तुम लोग क्लीनिंग को स्किप कर सकते हो, बिकॉज उनको प्रिसीजन बहुत हाई चाहिए था, इसलिए हम लोग ने 4-5 राउंड में क्लीनिंग किए। तुम लोग चाहो तो एज इस स्टेट पे बिना क्लीनिंग के भी परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर क्लीनिंग के साथ करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। ये पांच लेवल ऑफ क्लीनिंग हम लोग ने की, ये पांच लेवल ऑफ क्लीनिंग हम यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं। टोटल क्लीन कर लिया हमने, हमारा डाटा पूरा का पूरा क्लीन हो गया, हमने डाटा पेज भी कर लिया, डाटा क्लीन भी कर लिया। अब क्या करेंगे, अब कॉलम सम फंक्शन के यूज करेंगे। ये क्या करता है, इट कैलकुलेट द सम ऑफ ईच सेंटीमेंट। देखो कॉलम सम फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ ईच कॉलम इन, हाँ एक स्किप कर दिया नहीं, ये तो तीन डाटा ही है ना, हाँ हाँ ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेंटीमेंट लिया, पहले जितने हमको क्लीन वर्ड मिल गए, एक ऐसा टेक्स्ट फॉर्म मिल गया जो जिसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, उसको हमने सेंटीमेंट्स के टोकन पे कन्वर्ट किया, जिसमें एंगर है ये वगैरह 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 वगैरह, उसको फिर कॉलम्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कॉलम्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोगों ने स्कोर दे दिया, ठीक है। तो इसको जैसे मैं रन करूंगा और व्यू सेंटीमेंट बोलूंगा, क्लीन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, तो ये स्कोर दे जिसमें 646 एंगर दिखा रहा है, 75 एंटिसिपेशन है, 21 डिसगस्ट बोल रहे हैं, 52 फियर है, विराट कोहली से डर रहे हैं, 51 जो एंजॉय कर रहे हैं लड़ने को, 9 लोग बेचारे गौतम गंभीर पे फैन सेट है, ये सरप्राइज है, ये ट्रस्ट कर रहे हैं, टोटल 82 लोग इसको नेगेटिवली देख रहे हैं और 148 लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो कम से कम इससे ये एनालाइज कर सकता हूं मैं कि जो लड़ाई चल रही है किसी चीज की, गौतम गंभीर और विराट कोहली की, तो लोग विराट कोहली के पक्ष में ज्यादा है, जो कि सही भी है। हम जस्ट गेसिंग,
तो हमारा डाटा भी यही शो कर रहा है, राइट? इसके इनबिल्ट लाइब्रेरी है इसकी खुद की, वो उस हिसाब से कुछ कुछ वर्ड्स हैं उसको एंगर वाले में डाल डालता है, कुछ वर्ड्स जो आ रहे हैं उसको फियर में डालेगा, कुछ वर्ड जो आ रहे हैं उसको समझ लो अपने हिसाब से कैटेगराइज करके उन्होंने डिक्शनरी बना के देखो। वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी बोला कि एनालिसिस 100% सेंटीमेंटल नहीं कर सकता, बट ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि कितने लोग फेवर पे हैं, कितने लोग फेवर पे नहीं है, कम से कम इतना तो पता लग गया, एक मोटा मोटा आइडिया तो लग गया। ये सिर्फ 300 डाटा का है, लेकिन ये करोड़ 2 करोड़ का डाटा अगर उठाए हम और बड़े लेवल पे एनालिसिस करें तो अगर 70% भी मेरा एनालिसिस सही जा रहा है तो भी मुझे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस मार्केट पे पैसे डालने हैं, isn't it? सेंटीमेंट के हिसाब से ये नहीं पता लगा सकते कि आने वाले टाइम पे लोग क्या खरीदने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, या फिर ये पता नहीं लगा सकते कि आने वाले इलेक्शन पे किसके तरफ रुझान ज्यादा जा रहा है, लगभग मोटा मोटा आए ना, तो वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। स्कोर हमारे पास आ गया, अब आगे क्या करना है, अब जो दो कॉलम्स हैं सी बाइंड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम सी बाइंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या क्या चीज के लिए यूज होता है सी बाइंड? कॉलम को बाइंड करने के लिए, दो मैट्रिसेस को बाइंड करने के लिए। सी बाइंड जैसे ही हम लोगों ने किया कॉलम को हम दोनों मर्ज कर दिया और उसके बाद हमने जीजी प्लॉट का यूज किया और इसको प्लॉट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सेंटिमेंट्स पूरे पूरे हमारे सामने आए, ठीक है? तो इस तरीके से हम ट्विटर का सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे तुमको एक सीएसवी फाइल मिल जा रही है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, मैंने ये सेंटिमेंट एनालिसिस जब बनाया था इससे पहले हम लोगों ने यही सेंटिमेंट एनालिसिस पाइथन पे बनाने की कोशिश की थी, एटलीस्ट हम लोग मिलकर पाइथन पे नहीं बना पाए, कारण नहीं पता एपीआई बहुत पहुंच रही थी, नहीं हो पा रहा, मतलब ट्विटर से अगर डाटा उठाना है तो अभी मेरे पास सिर्फ एक जरिया है डाटा उठाने का, इसलिए मैंने पहले ही बोला था जो हर लैंग्वेज में मास्टर है उसको फंसेगा नहीं वो कहीं पे, हो सकता है मेरी कहीं पे वो दिक्कत रही होगी पाइथन को, मैं कुछ कोड अटक रहा हूँ, कोड फंस रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं पाइथन से नहीं कर पा रहा था जो चीज वो मैंने आर से कर ली। ऐसा बहुत बार होगा कि आर से कोई चीज नहीं कर पा रहे वो पाइथन से करोगे, फिर पाइथन और आर दोनों से नहीं हो रहा तो जावा पे होगा, इसलिए एटलीस्ट मास्टरी नहीं तो एटलीस्ट बेसिक हर सब्जेक्ट का पता करके रख लो, और मैं अभी भी चैलेंज दे रहा हूं कर लो, नहीं होगा ये पाइथन पे कर लो, जो आर और पाइथन दोनों पे मेरे करके दे दिया मैं मान जाऊंगा। सी पे तो भूल जाओ, आर और पाइथन दो पे ही करके दे, पहले करके तो दिखाओ, ठीक है? ये समझ में आया, यूजफुल था कि नहीं था? नहीं, चैट जीपीटी भी लिखा, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया ना, बेसिक क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोशिश करना इसको बनाने की। I'll see deadline कब का दे इसका, ठीक है? 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, ऑलरेडी तुम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फोटोज ले लिए हैं, टाइम पास करने के लिए 2 दिन लगेंगे क्या? 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अगर रन नहीं भी होता है तो भी एटलीस्ट मुझे कोड ओवरऑल बना के दिखाओ या फिर सीएसवी फाइल निकाल के दिखाओ। एग्जैक्टली मैं यही बताने वाला था, मैं भूल गया, बीच में भटक गया था। सीएसवी फाइल जहां से निकालने वाला पार्ट है वो पार्ट भी पाइथन पे नहीं हो पा रहा, तो हम क्या कर रहे थे सीएसवी फाइल यहां से निकालते थे, और क्योंकि बाकी के फंक्शंस पाइथन के थोड़े अच्छे हैं, मैटप्लॉटलिब वगैरह में थोड़ा विजुलाइजेशन ज्यादा अच्छा होता है, यहां से सीएसवी निकाल के पाइथन पे पांडास और नंबर के साथ इंपोर्ट करके फिर हम यूज कर लेते हैं इसको।
कुछ नहीं तो एटलीस्ट सीएसवी फाइल निकालने तक का बनाओ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का ट्विटर सेंटीमेंट कोर्स के कॉमर के बाद क्या खोल।